होती है आजकल, थोड़ा सेल्फी का भी जमाना आ गया है तो बच्चे ये चाहते हैं कि भैया जितनी अच्छी सेल्फी आ जाए, तो ये भी एक रीजन था। बिल्कुल अब जो है कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी चल रही है, बस हो गया, और सीधे सीधे चलते रहना है गाड़ी को लेके। इंटीरियर बहुत ही शानदार लग रहा है इसका, बहुत ही शानदार लग रहा है। मतलब ये ऑटोमेटिक कार है और इसमें मैनुअल के भी मोड दे रखे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल नेहा द ट्रैवल में आपका स्वागत है। गाइज, आप लोगों की जबरदस्त डिमांड के बीच आज हम लाए हैं नेक्सॉन के साथ नेक्सॉन। नेक्सॉन तो आपको पता ही है, हमारी नेक्सॉन एक्सी है, लेकिन उसके संग खड़ी है नेक्सॉन एक्जेड ए प्लस, और ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है, और इनके ओनर हमें बताएंगे कि कितने साल इन्होंने चला ली है गाड़ी और हिल्स में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि मैनुअल तो आपको पता ही है, हमने कई बार बताया कि कैसा परफॉर्मेंस करती है, लेकिन ऑटोमेटिक कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो इनके ओनर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले करना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। बुलाते हैं एग्जेड ए प्लस के ओनर को, और सर आइए, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम जीसी जोशी है और मैं रानीखेत में जॉब करता हूँ और पिछले 20-25 सालों से वहीं कार्यरत हूँ। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है, आप जब तक कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। ओके, और सबसे पहले तो हमें जानना चाहेंगे कि ये गाड़ी आपने कब ली। ये गाड़ी मैंने दिसंबर 2020 में ली थी। 20 में ली थी, कौन सा मॉडल है ये? ये एक्सजेड ए प्लस एस। कितने की पड़ी आपको ये? ये मुझे ऑन रोड पड़ी 12,60,000 की। अच्छा, ये गाड़ी आपने देखी, किसके अलावा और भी गाड़ियाँ देखी? नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी, लेकिन वो जैसे आपको पता ही है सबसे फर्स्ट चॉइस तो मारुति की होती है, लेकिन मैं पहले से मारुति ओन कर रहा था तो मुझे उसकी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो इसलिए मुझे सेफ्टी के देखते हुए मुझे फिर टाटा में शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा, टाटा की बिल्ड क्वालिटी देखते हुए। इसके अलावा आपने और कोई गाड़ियाँ भी देखी? हाँ, इसके अलावा दो गाड़ियाँ और देखी थी, सोनेट और ब्रिजा। जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे तीनों गाड़ियों में सबसे कंफर्ट इसी में लगा, तो इसलिए मैंने यही सेलेक्ट करी। अच्छा, तो ये आपकी चॉइस थी कि फैमिली की भी चॉइस थी? ये सभी की चॉइस थी, फैमिली को भी स्पेसियस काफ़ी लगी और काफ़ी एयरी फील हो रहा था, इसलिए सब लोगों की पसंद यही थी, तो फिर फाइनली यही सेलेक्ट करी। सनरूफ का आपने मॉडल लिया है जी, तो कुछ खास वजह थी इसकी सनरूफ की लेने की, या जो है ऐसी शौक पे लिया है? नहीं, कोई ऐसा तो कोई वो जरूर वजह तो नहीं थी, लेकिन बच्चों की डिमांड थी, छोटा बच्चा बेटा है जो, उसको थी। अच्छा, कि पापा सनरूफ होनी चाहिए। हाँ। फिर ऐसा गाड़ी एकदम 2-3 साल के अंदर तो बदली जाती नहीं है। बिल्कुल, तो जब लेनी है तो एक बार ठीक ठाक ले ली जाए, तो ताकि 4-5 साल तक आदमी एंजॉय कर सके और बच्चों की बेसिकली डिमांड बच्चों की होती है। आजकल थोड़ा सेल्फी का भी जमाना आ गया है, तो बच्चे ये चाहते हैं कि भैया जितनी अच्छी सेल्फी आ जाए, तो ये भी एक रीजन था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आपकी पहली गाड़ी थी वो थी मैनुअल जी, उसके बाद ऑटोमेटिक में आपने स्विच किया जी, तो आपने कितना मतलब टाइम लग गया आप उसको यूज्ड टू होने में? देखिए, उसमें यूज्ड टू होने में मिनिमम मुझे 15 डेज लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वो क्लच में पैर जाता था। हाँ। और इसमें क्लच है नहीं, है नहीं, तो वो जो इतने साल का एक्सपीरियंस था वो बार बार अपने आप पैर चला जाता था, लेकिन 15 डेज के आसपास फिर मैं मुझे यूज्ड टू हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही। तो सर, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है गाड़ी में कि इसमें कोई बटन नहीं दे रखा है हिल होल्ड असिस्ट का। अगर मतलब लोग सोचते हैं कि कोई बटन होता होगा तब गाड़ी अटकती है, बट ये ऑटोमेटिक काम करता है आपकी गाड़ी में? जी हाँ, ये इनबिल्ट है, इसमें कोई अलग से कोई ऐसा फीचर बटन के द्वारा
ज्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये वाकई में काम करता है। कई बार मैंने देखा है चढ़ाई में हम जाते हैं जब जैम लगा रहता है, लेकिन जब हम गाड़ी बंद कर देते हैं तो फिर वहां से जब पिकअप करते हैं तो वो गाड़ी बिल्कुल एक इंच भी पीछे नहीं जाती है। और ये बहुत बड़ा अच्छा फीचर है जो जाके नहीं तो पीछे वाली गाड़ी से टकरा सकती है, बड़े डिस्प्यूट भी हो जाते हैं कई बार इन छोटी छोटी चीजों को लेकर। और ऑटोमेटिक में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लच के सहारे आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, तो ये काफी बेटर बढ़िया फीचर है इस सेगमेंट में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो बिल्कुल काम कर रहा है, काम कर रहा है 100%। जैसे कि पेट्रोल जो है वो 100 के पार चला गया है और गाड़ी का अच्छा माइलेज भी काफी ज्यादा मैटर करता है, तो आपको कितना दे रही है ये? देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी चलाई थी तो मुझे 10 से 12 का एवरेज मिल रहा था। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका चैनल मैं काफ़ी पहले से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने आपका चैनल देख के ही उसमें जो टेक्निक सीखी थी गाड़ी को कैसे चलानी चाहिए और कैसे उसका मैक्सिमम माइलेज आप ले सकते हैं, तो वो वीडियो मेरे लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए। उसके बाद मैंने उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया और उसके बाद मुझे अभी आज की तारीख में 16 से 17 का माइलेज इसमें मिल रहा है, मिल जा रहा है ऑटोमेटिक में। ऑटोमेटिक जैसे कि हमने अपनी गाड़ी का तो निकाला ही है 18 तक निकाला है, लेकिन ऑटोमेटिक का जो है वो 16 से 17 मिलना ये काफ़ी मतलब ठीक है, थोड़ा ऑटोमेटिक का थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी आप 17 तक निकाल दे रहे हैं हिल्स में। सभी लोग कहते हैं टाटा का सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है, तो आपको भी ऐसा फील होता है क्योंकि यहाँ पहाड़ों में तो रोडें थोड़ी ख़राब भी रहती हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा है सस्पेंशन, जबकि मारुति की गाड़ियों में तो हल्का सा भी गड्ढा आए तो आपको पता ही है कि ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आप पूरी गाड़ी हिल गई है, आवाज़ आती है। और इसमें जब हम काफ़ी तेज स्पीड में भी होते हैं उसके बाद भी जब पहाड़ों में तो कई जगह आपको अचानक से ऐसी रोड मिल जाती है कि आपको ब्रेक भी नहीं मार सकते, आप ब्रेक भी नहीं मार सकते, तो उस समय जब हम पता लगते हैं तो मुझे भी फील होता है, बाकी जो और साथ में बच्चे बैठे हैं वो भी कहते हैं कि कुछ पता ही नहीं लगा, लेकिन नो डाउट सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। जी जी जी। इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई है? देखिए गाड़ी तो मैंने काफ़ी चलाई, लेकिन जो मेरी अपनी गाड़ी है वो मारुति की K10 थी। जी, उससे तो मुझे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको, और इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है, सही बात। उसमें इसमें तो आपको बहुत फर्क दिख रहा होगा, बहुत बहुत स्पेशियस काफ़ी है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है, तो ऐसा लगता है नहीं कि आप मतलब पहाड़ में या कहीं भी जा रहे हैं, तो मतलब एक अलग ही सा फील आता है ड्राइव में। और कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है आपको ऐसे हिल्स में चलाते हैं और ऑटोमेटिक है तो पिकअप मतलब कैसे वो कर रही है? देखिए इसमें थोड़ा सा लैग तो फील होता है जब हम गियर शिफ्ट होता है, तो थोड़ा सा लैग लगता है, लेकिन आराम उसका कंफर्ट भी है, अब आप जब कहीं जैम में फंसते हैं तो वो थोड़ा एक अच्छा रहता है, पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा एक जो दिक्कत इसमें जो मुझे हिल्स में लगी, थोड़ा सा ए पिलर इसका ठीक है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा शुरू में मुझे मैंने चलाई तो तब लग रहा था, उसके बाद से फिर मैं यूज्ड टू हो गया, फिर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्राइवर तो खिड़की से बाहर निकाल के देख लेते हैं, बस वही हम भी करते हैं, बीच बीच में कभी बिल्कुल कर्व आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा बाहर निकालनी पड़ती है गर्दन, उनकी आदत ही होती है बाहर। जी 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 जी, अदरवाइज ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और पास वास लेने में जैसे एकदम स्पीड से पास लेनी चाहिए होता है ना, जब लेते हैं तो तब उस समय कैसा पिकअप देती है आपको ये? नहीं उसमें थोड़ा सा लैग तो फील होता ही है, हाँ थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है, थोड़ा देख के फिर लेना पड़ता है, थोड़ा स्पीड गेन अप करने में थोड़ा फ्यू सेकंड लगते हैं। चलिए ठीक। देखिए इस गाड़ी का जो पेट्रोल इंजन है उसमें लोगों के अलग अलग मत हैं, जैसे कि जब मैं रिव्यू देता हूँ अपनी गाड़ी की तो मुझे इस पर थोड़ी सी इंजन की नॉइज़ ज़्यादा लगती है, बाकी पावर में मुझे कोई कमी नहीं है, माइलेज से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ गाड़ी के, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टाटा थोड़ा सा और साइलेंट इंजन दे देता तो ये गाड़ी की फिर कोई मुकाबला नहीं था। आपको भी ऐसा फील होता है क्या? देखिए लगता तो है, लेकिन सर्वगुण संपन्न कोई चीज़ नहीं मिल सकती, अगर आप सोचेंगे कि कोई चीज़ 100% मिल जाए वो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। सेफ्टी ज़रूरी है आपको, ड्राइविंग के एंजॉयमेंट के लिए आपको म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए, तो वो दोनों चीज़ हैं। दूसरा आपको कंफर्ट चाहिए कि बच्चों के साथ आप आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो एयरी फील होना चाहिए, गाड़ी स्पेशियस होनी चाहिए, वो चीज़ है। अब नॉइस का तो ऐसा है, देखिए आप जब म्यूजिक सिस्टम सुन रहे हैं तो आपको फील ही नहीं होता है कि कुछ नहीं होता है, कोई नॉइस है, और मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, वो माइनर, वो एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल है, बट ये है कि हम अपनी तरफ से रेकमेंड कर सकते हैं टाटा को कि आने वाली नेक्सॉन जो है उनमें थोड़ा सा इंसुलेशन और बढ़िया कर दें, थोड़ा सा इंजन थोड़ा सा साइलेंट हो जाए तो इस गाड़ी को फिर कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। सही बात, देखिए इम्प्रूवमेंट तो होते रहने चाहिए, चाहे ये गाड़ी हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर जिसने ये सोच लिया कि यहाँ मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। सो गाइस अब बारी है गाड़ी को चला के देखने की और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या फील होता है इस गाड़ी को चलाने में और मैनुअल से जो है इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए चलते हैं सर की ओर और सर से मैं कहूँगा चाबी लेके जो है थोड़ा सा इसको चला के देखते हैं। तो चलिए सर। ओके सो गाइस सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लग रहा है इस समय गाड़ी में,
गाड़ी के इंटीरियर में। आपको इंटीरियर बहुत ही शानदार लग रहा है इसका, बहुत ही शानदार लग रहा है, मतलब बिल्कुल चेंज है और यस मतलब बेसिक मॉडल से अपग्रेड करने का एक ही बेनिफिट बहुत है। एक्सएम के ऊपर ही आपको ये इंटीरियर मिलेगा और इसमें टेक्सचर देखिए आप, आपको दिख रहा होगा बहुत ही ट्राई एरो से इसको सजाया गया है और व्हाइट इंटीरियर जो है वो थोड़ा सा एरी भी फील होता है, एरी भी फील होता है और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि काफी और स्पेस ज्यादा और स्पेस बढ़ गया है। ये एक मिथ है होगी उतनी, पर इस इंटीरियर से लग रहा है कि थोड़ा स्पेस बढ़ गया है। डार्क इंटीरियर से जो है, जो ये इंटीरियर है इससे काफी स्पेशियस गाड़ी लग रही है। दूसरे जो चेंजेस हैं वो आप देख सकते हैं, काफी वीडियोस में आपने देखे भी होंगे, इसमें जो है आपका क्रूज कंट्रोल मिला हुआ है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिले हुए हैं। नेक्स्ट जो है ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक एसी है इस पे और जो है आपका हरमन का जो जिसके लिए नेक्सॉन जो है वो फेमस है, जाना जाता है जिसका। और जो अगली चीज है वो ये है जी, और इस सनरूफ का जो सबसे ज्यादा मजा है वो पहाड़ों पे ही है। जब आपको नीला आसमान जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको बादलों के बीच से दिखता है तो आपको कुछ अलग ही फील आता है गाड़ी में बैठने का और चलने का। सो गाइस मेरे लिए भी एक चेंज है और यहाँ पर को देखिए ऑटोमेटिक कार है और इसमें मैनुअल के भी मोड दे रखे हैं। अगर हमें मैनुअल में जो है चलानी है तो डाउन शिफ्ट तो ये गाड़ी खुद ही हो जाएगी जी हाँ, हाँ। और अप शिफ्ट जो है हमें खुद करना पड़ेगा, मतलब स्पीड कम होगी तो डाउन शिफ्ट तो खुद हो जाती है अगर हम मैनुअल मोड में चलाएंगे। इस तरफ है ये मैनुअल मोड। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है ऑटोमेटिक का ये हो गया, न्यूट्रल का ये हो गया और रिवर्स का ये हो गया। सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना। जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं उनके लिए भी मैं ये नॉलेज दे रहा हूँ कि आपके पास न्यूट्रल एन से हो गया, ऑटोमेटिक ए से हो गया और आर रिवर्स से हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो है मैनुअल में आना है तो एम हो गया और प्लस माइनस आपको करने हैं अगर गियर तो वो ये हो जाएगा। चलाते हैं गाड़ी को और हैंड ब्रेक नीचे करते हैं और देखते हैं क्या जो है हमारा, थोड़ा सा मेरे को आदत तो है नहीं बट फिर भी अब कुछ नहीं करना है, अब जो है कुछ नहीं करना है। देखिए बस गाड़ी चल रही है, बस हो गया और सीधे सीधे चलते रहना है गाड़ी को लेके। सो अभी जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है वो अलग अलग तरीके के आते हैं, यहाँ पर को सिंपल ऑटोमेटिक दे रखा है तो गियर चेंजिंग में कोई डिफरेंस मुझे लग रहा है या कोई जर्क लग रहा है मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ बताऊँगा जो कि मैक्सिमम लोग जानना चाहते हैं। और रास्ता काफ़ी सुंदर है आप जैसा देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइव को और गियर चेंज होते जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गियर थोड़ा सा लेट चेंज कर रही है गाड़ी, जैसा कि इतनी स्पीड में मैं जो है 30 से अबव मैं थर्ड गियर पे आ जाता हूँ मैनुअल में, बट यहाँ पर को अभी सेकंड गियर ही ले रखा है गाड़ी ने। और इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी जो है काफ़ी अच्छी शो कर रहा है फिलहाल, तो अब देखते हैं थोड़ा सा एक्सलरेट करके कि थर्ड गियर आता है नहीं आता है। 40 पहुँच गया हूँ बट थर्ड गियर आया नहीं है, बट स्मूथनेस पूरी है गाड़ी में। मोस्टली जो है सेकंड गियर पे ही रह रही है गाड़ी अभी सीधे में ना, 40 में के बाद क्रॉस कर जाएगा, 40 क्रॉस करने के बाद ही चलती है। गाड़ी ने हल्का सा झटका लिया और जो है गियर हमारा थर्ड गियर आ गया है, अब जो है कम स्पीड में भी थर्ड गियर ही चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपका जो एक पैर है वो फ्री हो गया है और ये जो हाथ से जो गियर चेंज करने का जो झंझट है वो फ्री हो गया है, तो काफ़ी आराम से गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं रहे हम, जैसे कि देखिए अभी गड्ढा आया तो डाउन शिफ्ट खुद हो गई है गाड़ी और काफ़ी स्मूथ लग रही है मुझे गाड़ी। ऐसा नहीं लग रहा है कि गियर चेंजिंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नेक्सॉन में लगती है वो अपनी गाड़ी में लगती है कि उस पर जो है गियर के जो थ्रोज हैं वो काफ़ी लंबे हैं और थोड़ा सा जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा नॉची है। यहाँ पर को गियर बॉक्स या गियर पे हाथ लगाने का झंझट ही ख़त्म है, तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप मैनुअल और ऑटोमेटिक में अगर कंपेरिजन कर रहे हैं अभी लेने से पहले, ढूंढ रहे हैं सोच रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक में ही जाना चाहिए। ऑटोमेटिक अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ मैनुअल। मैनुअल में जब आप गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी सेकंड गियर में आने में थोड़ा सा झटका भी लेती है और जब सर चलाएंगे तो मैं सर से भी जानना चाहूँगा उस टाइम पे उनको ये फील होगा कि नहीं होगा, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। मेरे द्वारा तो काफ़ी वीडियोज़ में आपको पता चला है कि जो सेकंड गियर में जब गाड़ी आती है तो थोड़ा सा झटका लेती है, उसके बाद थर्ड में भी लेती है मैनुअल में, बट यहाँ पर को काफ़ी स्मूथ चल रही है और जो
साथ में बैठे हुए हैं मेरे, उनको भी ऐसी लग रहा है नेहा भी बैठी हुई है साथ में, तो काफी। और हिल्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब बहुत लोगों के डाउट होते हैं ना हिल्स में कैसा रहेगी ऑटोमेटिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर ये बहुत ही अच्छी चल, बहुत स्मूथ चल रही मक्खन की तरह, बिल्कुल रोड को पकड़ गई। और क्लच से कोई मतलब लेना देना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी बंद हो जाएगी अभी। बट गाड़ी बंद नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये अब यार क्लच का आ गया और गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही मजा आया। तो अब इसको जो है मोड़ लेते हैं, रिवर्स इधर हो गया ना, ये दिखा रहा है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं भविष्य तो ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं, और मैं सर से भी जानना चाहूंगी कि पहले तो उनका मैनुअल चलाते थे वो, उसके बाद ऑटोमेटिक में गए वो, तो उनका क्या रीजन रहा? तो चलिए बढ़ते हैं सीधा सर की तरफ, और सर से हम जानते हैं कि सर आपका क्या रीजन था कि आपने मैनुअल से स्विच किया ऑटोमेटिक में। देखिए मेन रीजन ये था कि जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव में जाता था, कई बार रास्ते में जैम की प्रॉब्लम बहुत मिल जाती थी, तो उसमें क्या हुआ, आपको गाड़ी होल्ड रखनी है और बंद भी नहीं कर सकते आप, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको स्टार्ट करनी है, तो वो क्लच में पैर रखे रखे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था। तो फिर मैं ये देखा कि यार ये तो हमेशा की प्रॉब्लम है, इसे कैसे निजात पाया जाए, तो फिर ये ऑप्शन मुझे मिला। तो फिर मैं थोड़ा सा डर भी रहा था कि यार मैं अच्छे से इसको ड्राइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और दूसरी बात, बात तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जी जी बहुत बढ़िया फील हुआ। दूसरी बात यह है कि आप इसके अंदर म्यूजिक का आनंद लेते हुए चल सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, गियर का कोई आपको झंझट नहीं है, बस आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है और चलते रहना है, म्यूजिक का आनंद लेते हैं। और म्यूजिक सिस्टम आपको पता ही है इसका अपने बेस्ट है सेगमेंट में, तो नो प्रॉब्लम, मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी हर चीज़। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा जो डाउट रहते हैं लोगों के, वो रहते हैं कि गियर चेंजिंग में कोई झटका तो नहीं आ रहा है गाड़ी में तब, और यहाँ पर को जब हम टेस्ट कर रहे हैं अभी गाड़ी को, तो हमें मैनुअल से कम झटका लग रहा है, मतलब जो मैनुअल हमारा जो है गियर चेंज करने में ज़्यादा झटका देती है, बट ऑटोमेटिक में तो पता ही नहीं चल रहा है कि गियर कब चेंज हो रहा है। बहुत ही स्मूथ तरीके से गाड़ी जो है गियर चेंज कर रही है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी यहाँ पर, आप देखिएगा यहाँ पर मैं अभी सेकेंड गियर पर हूँ और गाड़ी जो है कब थर्ड गियर में आएगी पता भी नहीं चलेगा। देखिए बिल्कुल नहीं पता चला मुझे कि गाड़ी कब थर्ड गियर में आई, और काफ़ी मोड़ है रास्तों में तो गियर बार बार चेंज करने पड़ते हैं मैनुअल कार पे, बट यहाँ पर को आपके जो लेफ्ट लेग है उसको काफ़ी आराम मिला हुआ है, बस एक्सेलेटर और ब्रेक से ही आपने गाड़ी चलानी है और बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है। और नेहा जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट गाड़ी ऑटोमेटिक ही लेने वाली है, जो इसको पसंद आ गई है ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हुए मुझे देखते हुए। मतलब इजी है ना, इजी टू ड्राइव है ना उसकी। हाँ जब मैंने ये फर्स्ट जब डिलीवरी ली थी गाड़ी की, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे चला पाऊँगा क्या चला पाऊँगा, और मैं किसी ड्राइवर को भी नहीं ले गया था, लेकिन सब डर रहे थे बच्चे भी, लेकिन जब मैंने चलाया विद इन 2 या 3 किलोमीटर के बाद मुझे ऐसा लगा यार मैं तो इसको बहुत पहले से चला रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ करना तो है ही नहीं आपने, बस स्टीयरिंग और ब्रेक और स्टीयरिंग और ड्राइविंग एंजॉय करनी बस। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा सबको ये लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें जो है मैनुअल गाड़ी ही चलाने में मज़ा आता है, एक ड्राइवर वाली फीलिंग आती है प्रॉपर, बट अगर आपको मन है ऑटोमेटिक गाड़ी लेने का तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग ऑन ऑटोमेटिक, हमारी तरफ से ये वर्डिक्ट है। और मुझे जो अभी फील आ रहा है वो मुझे अपनी गाड़ी से ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मैनुअल से ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एक आराम की फीलिंग आ रही है। पहले हमने टेस्ट ड्राइव, एक तो टेस्ट ड्राइव नहीं होती इन गाड़ियों की। जी 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 जी, टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल कम रहती है ऑटोमेटिक गाड़ी, बट ये है कि हाँ लॉन्ग ड्राइव में आप चलते हैं तो आप 700-800 किलोमीटर इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं ऐसे हाथ रख के मजे से। आप कभी इस गाड़ी को लेके लॉन्ग ड्राइव या कहीं हाईवे पे कहीं लेके गए हैं क्या? जी हाँ, मैं अभी जो लॉन्ग ड्राइव पे गया था, लेटेस्ट मुरादाबाद गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला हाईवे पे। और जब गाड़ी हाई मतलब 100+ के बाद पता ही नहीं लगता है कि आप इतनी तेज़ चल रही है गाड़ी, बच्चों को अगर मैंने बताया कि स्पीड 120-30 है तो वो विश्वास नहीं मान रहे थे। हाँ। कोई पता नहीं लग रहा है, बहुत स्मूथ वे में चल रही थी, बहुत अच्छा में, मतलब हम ऐसा फील कर रहे हैं कि तो स्मूथली चल रही है, तो हाईवे में तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह दौड़ रही है। नो डाउट हाईवे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइज, हम आशा करते हैं कि आपकी जो क्वेरीज थी, जो परेशानियां थी ऑटोमेटिक को लेकर के हिल्स में वो कैसा परफॉर्म करेंगी, वो पूरी हो गई होंगी। और मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि वो हमारे चैनल पे आए, और अब उनकी बारी है नेक्सॉन मैनुअल चलाने की, और वो बताएंगे कि क्या डिफरेंस है, और वो हम अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड।